हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पीनट चटनी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पीनट चटनी बनाने के लिए आप सबसे पहले ले लीजिए एक बाउल रोस्टेड मूंगफली, 7 से 8 कलियां लहसुन की, 2 चम्मच दही, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच नमक, थोड़े से पीसेस नारियल के, और इनका छिलका मैंने उतार दिया है। इसके साथ आप डाल दीजिए ग्रीन चिल्ली और थोड़ा सा इमली का पानी या फिर इमली का फल। आप अब इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लीजिए। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लिया है। अब हम इसे किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने चटनी को बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से बनी है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पतला भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका तड़का बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पैन में 1 चम्मच तेल को गर्म कर लीजिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग। हींग आपको ज़्यादा नहीं डालनी, बस 1 चुटकी ही डालिए। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच उड़द दाल, और दाल को भी अच्छे से भून लीजिए। दाल हमारी थोड़ी सी भून चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, और इसके साथ ही आप डाल दीजिए 2 सूखी लाल मिर्च, और इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लीजिए। राई हमारी चटक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चीनी। आप चाहे तो गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप ऐड कर दीजिए 3 से 4 कड़ी पत्ते, और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। तड़का बन चुका है, अब हम इसे चटनी में ऐड कर देंगे। अब आप चटनी में तड़का ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से मिला लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हमारी बहुत ही टेस्टी पीनट चटनी बनकर तैयार है।